नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। क्या जीएसटी ऑफिसर किसी बिजनेसमैन के स्टॉक या फिर डेटर्स को अटैच कर सकता है या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, इसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट का ये कहना था कि एलएलपी के केस में जो पार्टनर है उसने फेक इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया था जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, यानी कि जो परचेज इनवाइसिस थी वो फेक बनाई गई थी, जिसके बाद के जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा एलएलपी फर्म की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया। इसके साथ ही पार्टनर की प्रॉपर्टी को भी अटैच किया गया, जैसे कि फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इसके अलावा स्टॉक, डेटर्स, बैंक करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक। इस केस में टैक्सपेयर का कहना था कि पार्टनर के जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे अटैच नहीं किया जा सकता, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म की ही प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। दूसरा ये कहना था कि स्टॉक और डेटर को भी अटैच नहीं किया जा सकता है। इस केस में हाई कोर्ट ने जो डिफरेंट प्रोविज़न है जीएसटी एक्ट की उन्हें रेफ़र किया। एक तो प्रोविज़न ये दी गई है कि यदि पार्टनरशिप फर्म का टैक्स निकलता है तो उस केस में जो पार्टनर्स हैं वो ज्वाइंटली और सेवरली लाइबल होते हैं। तो इस केस में देखा गया कि अभी तक पार्टनरशिप फर्म की जो लाइबिलिटी है वो डिटरमिन नहीं की गई है, जीएसटी ऑफिसर ने अभी तक ये कैलकुलेशन नहीं की है, इसलिए जो जीएसटी एक्ट की प्रोविज़न है प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच करने की वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि इस केस में जो टैक्सेबल पर्सन है उसकी ही प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। इस केस में पार्टनरशिप फर्म ही टैक्सेबल पर्सन है क्योंकि वही जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। जो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के वो सेपरेट लीगल एंटिटी माने जाते हैं, इसलिए पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उन्हें अटैच नहीं किया जा सकता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। इस प्रकार हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत वो वैलिड नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन था उसे भी डील किया गया, यानी कि क्या स्टॉक और डेटर को अटैच किया जा सकता है प्रोविजनली। इसके लिए हाई कोर्ट ने सीबीआईसी के सर्कुलर को रेफर किया जिसमें कि कहा गया था कि बिजनेसमैन के रॉ मटेरियल या फिर इनपुट को अटैच ना किया जाए क्योंकि इस केस में व्यक्ति का जो बिजनेस है वो हैम्पर होता है। इस प्रकार जीएसटी ऑफिसर के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था व्यक्ति के डेटर्स या फिर स्टॉक को प्रोविजनली अटैच करने का या फिर पार्टनर की जो इमोबल प्रॉपर्टी है उसे अटैच करने का, उसे क्वेश कर दिया गया। आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों, जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर की इमोबल प्रॉपर्टी को अटैच करने की कोशिश की जाती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, तो आप उस केस में इस प्रकार की जजमेंट से हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।